हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉलम स्ट्रेंथनिंग के बारे में। कंस्ट्रक्शन साइट पर कॉलम स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं? जब भी दोस्तों हमारा कोई कॉलम एग्जिस्टिंग कॉलम बना हुआ है, अब इस कॉलम को मुझे क्या करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है, मतलब कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो मुझे इम्प्रूव करना है। क्यों करना है? किसी भी कारणवश, जैसे कि इंक्रीज लोड डिमांड, आपकी कोई लोड डिमांड बढ़ गई हो, या स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका हो, या फिर आपके ड्राइंग के अंदर कोई चेंजेस आया हो, जिसके वजह से मुझे क्या करना है, अब कॉलम की जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना रहता है, कॉलम को स्ट्रेंथनिंग करना रहता है। तो दोस्तों, ये कॉलम को स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, राइट साइड में आप एक इमेज देख रहे हैं, यह एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग है जिसके अंदर आप देख सकते हैं यदि इसका स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है तो इसके स्ट्रक्चरल को मुझे रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके वर्टिकल कॉलम को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। अब ये वर्टिकल कॉलम को जो स्ट्रेंथनिंग करते हैं वह हम कैसे करते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे मेन टॉपिक होंगे नेसेसरी ऑफ कॉलम स्ट्रेंथनिंग, कॉलम स्ट्रेंथनिंग हमें क्यों करना है। दूसरा है मेथड ऑफ कॉलम स्ट्रेंथनिंग, कॉलम स्ट्रेंथनिंग करने के कौन कौन से मेथड है। और नेक्स्ट है हमारा हाउ वी डू कंक्रीट जैकेटिंग एट साइट अथवा होम फोटोज एंड वीडियोस। तो जो कॉलम स्ट्रेंथनिंग हम करते हैं उसके लिए हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे जैकेटिंग के बारे में, जिसके अंदर कॉन्क्रीट जैकेटिंग के द्वारा हम कॉलम का स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो वो हम कैसे करते हैं, उसके कुछ फोटोज वीडियोज और कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, क्या उसका मार्केट में रेट है, किस तरह से हमें उसे स्ट्रेंथनिंग करना रहता है, संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, श्योरली आपको कॉलम स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉलम स्ट्रेंथनिंग क्या होता है। कॉलम स्ट्रेंथनिंग इज डन टू इम्प्रूव द लोड बियरिंग कैपेसिटी, डक्टिलिटी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉलम इन अ स्ट्रक्चर। दोस्तों, कॉलम स्ट्रेंथनिंग जो है वह इम्प्रूव करता है जो आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों जान लेते हैं कि किस वजह से जो है हमें कॉलम स्ट्रेंथनिंग की नेसेसरी पड़ती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि आपके कॉलम के अंदर इंक्रीज लोड डिमांड बढ़े, या स्ट्रक्चरल डैमेज हो, या आपके किसी ड्राइंग में चेंज आ रहा हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, कॉलम को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है। यदि मैं इंक्रीज लोड डिमांड की बात करूं, इसका मतलब यह है कि आपकी एडिशनल बिल्डिंग के अंदर कोई एडिशनल फ्लोर्स या हेवियर लोड की रिक्वायर आ रही है, जिसके वजह से क्या होगा, आपके वर्टिकल कॉलम को ज्यादा वेट उठाना पड़ेगा, इसके वजह से आपके कॉलम को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसका स्ट्रेंथ आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, स्ट्रक्चरल डैमेज। स्ट्रक्चरल डैमेज कई कारणों से हो सकता है दोस्तों, इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, या उस बिल्डिंग की जो उम्र होती है वो उम्र बढ़ गई, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वर्षों का वो बिल्डिंग हो चुका है, तो उसके वजह से जो उसका स्ट्रक्चर है वो डैमेज होता है, अर्थक्वेक की वजह से भी डैमेज हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में स्ट्रक्चरल डैमेज के अंदर आपको कॉलम को स्ट्रेंथनिंग करना पड़ता है। तीसरा है चेंज इन यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि आपके डिजाइन में कुछ चेंज हो, मॉडिफिकेशन हो, ठीक है, बिल्डिंग यूजेस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको आपके कॉलम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हायर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसके लिए हमारी जो नेसेसरी है वो बढ़ जाती है कॉलम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी मेथड है कॉलम को स्ट्रेंथ करने के लिए। तो दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि कॉलम को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम जैकेटिंग का यूज करते हैं। यह जैकेटिंग दो तरह के होते हैं, कंक्रीट जैकेटिंग और स्टील जैकेटिंग। स्टील जैकेटिंग क्या होता है, तो राइट साइड में आप एक इमेज देख रहे हैं जिसके अंदर यह वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम को मैंने क्या किया, स्टील प्लेट के द्वारा कवर किया है और इसे नट बोल्ट के द्वारा इसे क्या किया है, कनेक्शन कर दिया गया है।
जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, रैपिंग द कॉलम विथ स्टील प्लेट्स और सेक्शंस एंड कनेक्शन देम विथ बॉल्स और वेल्ड्स। ठीक है दोस्तों, यह जो स्टील जैकेटिंग का जो काम है, यह मोस्टली आपको इंडस्ट्रियल में देखने को मिलेगा। जनरली हम हमारे घरों में या बिल्डिंग्स के अंदर इस तरह का स्टील जैकेटिंग नहीं करवाते हैं, क्योंकि एस्थेटिक व्यू के दौरान यह हमें अच्छा नहीं लगता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट जैकेटिंग की, तो कंक्रीट जैकेटिंग के द्वारा हम कॉलम का स्ट्रेंथनिंग कैसे करते हैं, चलिए वह हम समझ लेते हैं। तो जब भी आपको कंक्रीट जैकेटिंग के द्वारा कॉलम का स्ट्रेंथनिंग करना है, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सकेवेशन वर्क अप टू फुटिंग टॉप लेवल। जो भी पर्टिकुलर आपका कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है, उस वर्टिकल कॉलम का जो फुटिंग आपने कास्ट किया था, उस लेवल तक आपको क्या करना है, एक्सकेवेशन करना है। कोई मिट्टी विट्टी फिल की हुई है तो उसे निकाल देना है, आपको फुटिंग के टॉप लेवल तक आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको रिबारिंग वर्क करना है। कहाँ करना है, तो जो आप फुटिंग के टॉप लेवल पर आए थे, उस फुटिंग के टॉप लेवल पर आपको क्या करना रहेगा, रिबारिंग करना रहेगा। रिबारिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ड्रिल करना है। ड्रिल करने के बाद आपको क्या करना है, केमिकल के द्वारा स्टील का रिबार करना है, जैसा कि यहाँ आपको वीडियो में दिख रहा है। दोस्तों यहाँ जो मैंने रिबारिंग के लिए केमिकल यूज किया है वह है फिशर FISEM+A585S। दोस्तों रिबारिंग में यह आपको ध्यान रखना है कि यह जो रिबारिंग केमिकल है वह स्टील को इंसर्ट करते समय रिबार केमिकल बाहर निकलना चाहिए, यह एक प्रोसेस होती है रिबारिंग की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिबारिंग आपको फुटिंग लेवल पे करना है, वैसा ही सेम टू सेम रिबारिंग आपको यह जो मैं आपको स्लैब दिखा रहा हूँ, उस स्लैब के टॉप लेवल पे भी आपको क्या करना रहेगा, रिबारिंग करना रहेगा। मतलब कि रिबारिंग आपका कहाँ आया, एक तो स्लैब पर आया और एक फुटिंग पर आया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ड्रॉइंग भी दिखा रहा हूँ, इस ड्रॉइंग के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है फुटिंग टॉप। मतलब कि यह जो आपको दिख रहा है वह मेरा क्या है, फुटिंग है। और इस फुटिंग के अंदर जो आपको यह वर्टिकल रेड कलर की जो लाइन दिख रही है वह मुझे ये बता शो कर रहा है कि यह रिबारिंग करना है। और ये रिबारिंग की डेप्थ कितना बता रहा है, 400 mm का रिबारिंग मुझे बता रहा है। दोस्तों रिबारिंग का डेप्थ कितना होना चाहिए यह आपको स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ही बताएगा, बट यदि आप अपने घर पर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए 20D आप रिबार कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपका 25 mm का डाया है तो 25 × 20 मतलब कि कितना हुआ, 25 × 20 500 mm। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, रिबार कर सकते हैं, आप 20D भी पकड़ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों, रफ एंड अनफिनिश द कॉलम सरफेस। जिस किसी वर्टिकल कॉलम को आप कॉलम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, उस वर्टिकल कॉलम को आपको क्या करना है, उसकी सरफेस को अनफिनिश कर देनी है। अनफिनिश को लेकर इसलिए क्योंकि जब भी आप इसमें कॉन्क्रीट डालेंगे, माइक्रो कॉन्क्रीट से आप इसे कास्टिंग करेंगे, तब क्या हो, आपका बॉन्डिंग अच्छा हो, उसके लिए आपको वर्टिकल सरफेस को क्या करना रहेगा, रफ या अनफिनिश करना रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर वर्टिकल कॉलम देख रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, रिबार कर दिया स्लैब पर और फुटिंग पर, उसके बाद हमने कॉलम जो था उसको अनफिनिश कर दिया। अनफिनिश करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें रिंग बांधनी है, स्टीरअप पहराना है। स्टीरअप के साथ साथ हमें इसमें क्या करना है, यह जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम है इसके अंदर भी हमें रिबार करना है। कहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों ड्रॉइंग के अंदर दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर रिंग पहरानी, दिख रहा है आपको यहाँ पर दोस्तों, ये रिंग दिख रही है, ये आपको इस तरह से रिंग पहरानी है। यह जो रिंग है आपका 10 mm का 200 सेंटर टू सेंटर पहराना है। उसके अलावा जो आपका एग्जिस्टिंग कॉलम है, उस एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर देखो यहाँ पर दोस्तों रिबारिंग दिखाया हुआ है। यह जो रिबारिंग स्टील है वो आपका 12 mm का है और 200 सेंटर टू सेंटर आपको क्या करना है, पहराना है। किस तरह से होता है मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखा देता हूँ। दूसरा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, यह जो हमारा राउंड कॉलम है, उस राउंड कॉलम का एग्जिस्टिंग पहले हमारा डाया था 750 का। हमको जब कॉलम का स्ट्रेंथनिंग करना था तो उसमें हमने क्या किया, 100 100 mm दोनों तरफ से उसको क्या किया, उसका एरिया हमने बढ़ा दिया। जब भी आपको कॉलम का स्ट्रेंथनिंग करना है, इसका मतलब क्या करना है, उसका आपको एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 100 mm का एरिया बढ़ाया है, ठीक है। यह कहाँ काम आएगा मैं आपको आगे बताऊंगा।
पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से एग्जिस्टिंग कॉलम के अंदर रिवायरिंग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो चालू है। इस वीडियो में बताया गया है कि आपका जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसके अंदर आपको क्या करना है, रिवायरिंग करना है। रिवायरिंग करने के बाद 12 mm का डाया का स्टील आपको 200 सेंटर टू सेंटर क्या करना है, रिवायर करना है प्रॉपर तरीके से। यह क्यों करना है, क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग जो कॉलम है और जब आप कॉलम स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो दोनों के बीच का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो इसलिए। अभी दोस्तों हमारा स्टील का काम पूरा हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉलम का शटरिंग वर्क करना है। कॉलम के शटरिंग के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा एप्रोप्रिएट शटरिंग वर्क होता है उसके द्वारा हमें शटरिंग करना है। शटरिंग में एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो उसका बॉटम एरिया होता है वह प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए, वाटर टाइट होना चाहिए। सीमेंट सैंड के वाटर से आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से कवर कर देना है। यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म वर्क वाटर टाइट, ठीक है दोस्तों। इस बात का आपको पूरी तरह से इंश्योर होना है, क्योंकि जो भी आप पाउडर यूज करने वाले हैं सीमेंटेनियस वाला लिक्विड फॉर्म में होता है, वो ऐसा ना हो कि नीचे से लिक्विड फॉर्म में जो केमिकल आप यहाँ पर पोरिंग करेंगे स्ट्रेंथनिंग के लिए वो निकल जाए। अभी बात आती है दोस्तों कि हमें कंक्रीट कैसे करना है, हाउ टू डू कंक्रीट पोर। मुझे रेनफोर्समेंट मांगना आ गया, मुझे शटरिंग करना आ गया, अब मुझे पोर कैसे करना है। तो पोर के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि आपको सिका कंपनी का सिका रेप माइक्रो कंक्रीट यूज करना है, ठीक है। यह जो माइक्रो कंक्रीट है वो हमारा हाई परफॉर्मेंस होता है, सीमेंटेनियस बेस होता है, माइक्रो कंक्रीट होता है। यह जो हमारी जो बैग होती है वो 30 kg की बैग होती है। इस 30 kg के बैग के अंदर आपको वाटर ऐड करना रहेगा 4.2 से 4.8 लीटर पर बैग। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम जो यह कॉलम जो कास्ट कर रहे हैं वो 100 mm दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, इसका एरिया बढ़ा रहे हैं। यदि दोस्तों आपका 25 से लेकर 100 mm तक का एरिया बढ़ता है तो आप डायरेक्टली सिका के इस माइक्रो कंक्रीट केमिकल के साथ वाटर ऐड कर सकते हैं। यदि आपका एरिया 100 mm से ज्यादा होता है तो आपको एग्रीगेट यूज करना रहेगा, और ये एग्रीगेट कितना यूज करना रहेगा ये आपको सिका के टेक्निकल पर्सन से जानकारी लेने के बाद करना पड़ेगा। बट नॉर्मली अधिकांश ज्यादातर देखने को मिला है कि एरिया 100 mm तक का ही बढ़ता है, तो उसके अंदर आपको क्या करना रहेगा, एक सिका की माइक्रो कंक्रीट बैग के अंदर 4.2 से 4.8 लीटर वाटर ऐड करके इसको लिक्विड फॉर्म में बना के इसको क्या करना है, पोर करना रहेगा। पोरिंग करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप वर्टिकल कॉलम का पोरिंग करते हैं तो आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको हैमर का यूज करना है, आपको हैमरिंग करते रहना है। जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हैं तो आपको हैमरिंग का यूज करना है, जिससे आपका प्रॉपर तरह से माइक्रो कंक्रीट केमिकल नीचे आ जाए, वरना क्या होगा, आपको कॉलम के अंदर बहुत सारे हनीकॉम्ब देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको माइक्रो कंक्रीट की थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि यह जो हमारी सिका की बैग है उसकी डेंसिटी 1900 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। इसका रेट मार्केट में लोकेशन के हिसाब से 450/550 पर बैग आपको मिल सकता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है 28 डेज में वो 65 न्यूटन पर mm² मिलती है। दोस्तों कंक्रीट कास्ट होने के बाद आपको उसके डिशटर कर देना है प्रॉपर तरीके से, जैसा कि यहाँ पर इमेज में दिख रहा है। डीशटरिंग करने के बाद आपको क्या करना रहेगा, क्यूरिंग करना रहेगा, जैसा भी आपका टाइम पीरियड फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से आप 7 days तक आप इसको क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी बात हुई कि आपको किस तरह से कॉलम को स्ट्रेंथनिंग करना रहेगा। इस तरह से दोस्तों मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे बारे में बताइए। थैंक यू दोस्तों।